अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ पे, तो सेल की लेयर पर पाए जाने वाले रिसेप्टर मोलिक्यूल अंतःकोश की टारगेट एंजाइम को उत्तेजित करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसेप्टर मोलिक्यूल से इनडायरेक्टली मोलिक्यूल से जो है सेल से जी प्रोटीन के द्वारा जुड़ते हैं। यह अंतःकोश की एंजाइम डाउन स्ट्रीम सिग्नल्स के रूप में वर्क करते हैं। अधिकतर एग्जांपल में क्रियाओं की एक चैन सेल की लेयर से प्रारंभ होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न टारगेट को प्रभावित करती है। इस क्रिया को जो है इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन कहा जाता है। विभिन्न इंट्रासेलुलर टारगेट में अधिकतर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इस टाइप इंट्रासेलुलर सिग्नल जो है पाथवे सेल की लेयर को न्यूक्लियस से जोड़ते हैं, जिसके कारण बाह्यकोशिकीय उद्दीपन जीन एक्सप्रेशन को परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे हम DCAMP पाथवे की बात करें तो इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो है हार्मोन जो है एपिनेफ्रिन के द्वारा प्रसारित सिग्नल्स के बेस पर 1958 में जो है सतरलैंड ने जो है 1958 के द्वारा स्टडी की गई थी। यह हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का और सिग्नल प्रसारित करते हैं। इस साइंटिस्ट के ने बताया कि जो एपिनेफ्रिन हार्मोन की क्रिया के टाइम इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP और CAMP की जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इससे जो कॉन्सेप्ट को बल मिला कि CAMP हार्मोन सिग्नल के सेकंड मैसेंजर का वर्क करती है। प्रथम संकेतक जो है स्वयं हार्मोन होता है। साइक्लिक AMP की जो उत्पत्ति जो है ATP से होती है। ATP एडिनाइलिन साइक्लेज से क्रिया करके CAMP बनाती है, जो कि AMP को CAMP फास्फोडाइस्टरेज के द्वारा परिवर्तित होती है। एपिनेफ्रिन रिसेप्टर जो एडिनाइलिन साइक्लेज जो है जी प्रोटीन के द्वारा एंजाइम क्रिया को उत्तेजित करता है और जिससे CAMP की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। CAMP के द्वारा ग्लाइकोजन के टूटने का जो संदेश है, CAMP पर निर्भर प्रोटीन काइनेज और प्रोटीन काइनेज ए की हेल्प से प्रेषित किया जाता है। यह एंजाइम जो है 1968 में दो साइंटिस्ट जोनेल वाल्स तथा एड क्रेप्स के द्वारा खोजा गया था। प्रोटीन काइनेज ए की जो अक्रियशील संरचना जो है टेट्रामर होती है 4 यूनिट्स की, जिसमें 2 कैटलिस्ट तथा 2 रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पे दोस्तों 2 सब्सटेंस हैं, ये इनएक्टिव है। यहाँ पे CAMP का जो वर्क हो रहा है, यहाँ पे CAMP क्रिया करता है और CAMP यहाँ पे दोनों जो होते हैं एक्टिव होते हैं। तो ये जो है प्रोटीन काइनेज ए का नियंत्रण, एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए में 2 नियंत्रक आर पाए जाते हैं तथा 2 कैटेलाइज्ड होती हैं। जब CAMP आर से जुड़ती है तो सी सब्सटेंट क्रियाशील होकर अलग हो जाती है। ये डायग्राम आप अच्छे से मान लीजिएगा दोस्तों, इसका ये साइक्लिक एमपी जो है नियंत्रक सब यूनिट जो होती है से जुड़ती है, जिससे जो है कैटालिटिक यूनिट जो है फ्री हो जाती है तथा क्रियाशील हो जाती है। फिर कैटालिटिक जो होती है सब यूनिट अर्थात क्रियाशील एंजाइम प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन साइंटिस्ट तथा फास्फोराइलेज काइनेज दोनों का फास्फोराइलेशन करता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है, इस फास्फोराइलेशन की क्रिया के फलस्वरूप अक्रियाशील हो जाता है, जिससे नई जो है ग्लाइकोजन नहीं बनती है। दूसरी ओर जो है फास्फो जो रिलाइज काइनेज क्रियाशील हो जाता है, जो कि
क्रियाशील ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को क्रियाशील करता है, इससे ग्लाइकोजन ग्लूकोज फर्स्ट फास्फेट में बदलता है। इस टाइप जो है एपिनेफ्रिन से प्रारंभ चैन ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज के क्रियाशील होने तक सिग्नल में को बढ़ाती है। ये सिग्नल जो है एम्प्लीफिकेशन तथा इंटरसेलुलर सिग्नल्स पारक्रमण का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है, जो कि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम CAMP की उपयोगिता को सिद्ध करती है। यहाँ पे दोस्तों प्रोटीन काइनेज ए के द्वारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण वाला डायग्राम है। यहाँ पे दोस्तों फास्फोराइलेज काइनेज इनएक्टिव है, यहाँ पे ये ATP और ADP से क्रिया करके और यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए जो है इसमें जुड़ता है, तो फास्फोराइलेज काइनेज एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे एक्टिव रहता है, और ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इनएक्टिव रहता है। जो ATP तथा ATP से क्रिया करके ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिव तथा ग्लाइकोजन और ग्लूकोज 1 फास्फेट का जो होता है फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे प्रोटीन काइनेज यहाँ पे जुड़ता है दोस्तों, जो ATP से क्रिया करके ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है इनएक्टिव होता है। रोल ऑफ CAMP इन जीन एक्सप्रेशन, तो बहुत सी एनिमल सेल्स में CAMP जीन जो है एक्सप्रेशन को प्रभावित करती है। कुछ एनिमल्स के जीनोम में टारगेट जीन एक कंट्रोल चैन होती है, जिसे CAMP जो है रिस्पॉन्सलेमेंट जो होते हैं और CRE कहते हैं। जैसे एग्जांपल के संकेत जो है साइटोप्लाज्म में से जो न्यूक्लियस तक जो है कैटेलिटिक सब यूनिट प्रोटीन काइनेज ए के द्वारा पहुँचता है। प्रोटीन काइनेज ए जो है न्यूक्लियस में कंट्रोल सब यूनिट से फ्री होकर पहुंचता है, वहाँ जो पहुंचकर यह है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है CREB जो होता है फास्फोराइलेशन करता है, और CREB जो है बंधनकारी प्रोटीन है के द्वारा जीनोम के CRE जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि प्रोटीन काइनेज ए स्वतः साइटोप्लाज्म में उत्तेजित नहीं होता है, उसके लिए CAMP आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों ये CAMP एक्सप्रेशन का जो डायग्राम है, आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, और दोस्तों डायग्राम बनाना आवश्यक है, डायग्राम से क्या है मार्क्स जो हैं अच्छी तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा ये साइक्लिक AMP जो है इंडिक्लेबल जीन एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। तो सेकंड मैसेंजर जो है CGMP, यहाँ पे हम सेकंड मैसेंजर CGMP की बात करें तो एनिमल सेल्स में चक्रीय CGMP भी सेकंड मैसेंजर का कार्य करती है, यद्यपि इसकी कार्य पद्धति पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुई है। CGMP का जो है फॉर्मेशन GTP से होता है, और यहाँ पे ग्रेनुलाइटल जो है साइकिल ले जो है GTP को GMP में बदलता है। यहाँ पे यह डायग्राम है दोस्तों जी प्रोटीन का, तो यहाँ पे जी प्रोटीन का जो डायग्राम है दोस्तों ए अल्फा बीटा वाई का जो रिडक्शन के टूटने पर क्रियाशील जी प्रोटीन का जो ट्रांसड्यूशन बनता है उसका फास्फोर जो है डाई स्ट्रेस से मिलकर CGMP की कंसंट्रेशन को कम करना होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम को भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से बनाइएगा, ताकि आपके जो मार्क्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल पाएँ। तो जो है गुनाइलेट जो है ग्लाइकोलेज जो होता है सब साइक्लेज जो होता है का उद्दीपन CGMP की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, या CGMP जैविक क्रियाओं के संदेश पहुंचाता है। एग्जांपल के लिए हम बात करें यहाँ पे तो के लिए रक्तवाहिनियों को चौड़ा जो होता है करता है CGMP की मैकेनिज्म प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेटेड होने पर निर्भर है। प्रोटीन काइनेज को CGMP एक्टिवेट करती है, परंतु कभी कभी CGMP की भी टारगेट को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल के लिए आयन चैनल जो होते हैं CGMP की कार्यप्रणाली का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल वर्टिब्रेट आई में देखते हैं।
देखने के संदेश के जो होता है, यहाँ पर एक सेकंड मैसेंजर का वर्क करती है, सेकंड मैसेंजर का वर्क करती है। वर्टिब्रेट आई में जो होता है रोड सेल जो होती हैं प्रकाश संवेदी होती हैं, उनमें जी प्रोटीन से जुड़ा एक रिसेप्टर पिगमेंट जो है रोडोस्पिसिन पाया जाता है। ये रोडोस्पिसिन जो होता है लाइट के अवशोषण एक प्रकाश के द्वारा क्रियाशील होकर 11 सिस रेटिनाल जो तथा आइसोमर होता है में बदल जाता है, जिससे रेडियोप्सिन प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज होता है। इसके कारण जी प्रोटीन जो है ट्रांसड्यूसिन एक्टिव हो जाता है और ट्रांसड्यूसन की वास जो होती है स्टोरेज जो होती है सीजीएमपी की कंसंट्रेशन की जो होती है रॉड सेल्स में कम करता है। रॉड सेल्स में जो सीजीएमपी का स्तर है वह नर उद्दीपन में परिवर्तित होता है। सीजीएमपी की यह क्रिया जो है आयन चैनल को प्रभावित करता है तथा माइंड तक उद्दीपन को पहुँचाता है। कंक्लूजन की हम बात करें तो सेल्स की सतह जो होती है पर पाए जाने वाले रिसेप्टर जो है मॉलिक्यूल इंट्रासेलुलर टारगेट एंजाइम को उत्तेजित करते हैं, जो कि अंततः जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल से जी प्रोटीन की हेल्प से जुड़ते हैं तथा सीएमपी जो होता है उद्दीपित करते हैं। सीएमपी पर निर्भर प्रोटीन काइनेज क्रिया को आगे बढ़ाता है तथा ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो होता है फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और सीएमपी जीन जो है अनुलेखन या एक्सप्रेशन को प्रभावित करती है। इससे सेकंड मैसेंजर माना जाता है। सीजीएमपी भी एक सेकंड मैसेंजर है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना।